हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। इन दिनों सनी देओल की अपकमिंग मूवी गदर 2 को लेकर खूब सुर्खियां बनी हुई हैं। 26 जुलाई को फिल्म का ट्रेलर तो रिलीज कर दिया गया था। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका ट्रेलर भी देख लिया होगा और इसकी कहानी का अंदाजा भी आपको ऑलरेडी लग गया होगा कि तारा सिंह इस बार अब अपने बेटे के लिए पाकिस्तान पर हमला बोलने वाले हैं। वहां उनका सामना पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी बने मनीष वाधवा से होता है, जो गदर 2 के मेन विलन के तौर पर देखे जाएंगे। और आपको बता दें, वो शाहरुख खान की फिल्म पठान में भी पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर का किरदार निभा चुके हैं। हालांकि दोनों की कास्टिंग में कोई भी लेना देना नहीं है। आपको बता दें, गदर एक प्रेम कथा में अमरीश पुरी को बतौर खलनायक काफी पसंद किया गया था। उनकी एक्टिंग आखिर कौन भूल सकता है, पर अफसोस इस बार वो हमको गदर 2 में नहीं देखने को मिल पाएंगे। अब गदर 2 में मनीष वाधवा नए विलन के रूप में नजर आएंगे, जिसकी झलक आपने ट्रेलर में ऑलरेडी देख ली है। ट्रेलर में मनीष वाधवा को काफी जगह देखा गया है और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में उनका कितना अहम रोल देखने को मिलने वाला है। अब देखा जाए तो इस बार विलन यहाँ पर मनीष वाधवा नजर आएंगे, लेकिन इसी बीच मनीष वाधवा को लोग लगातार अमरीश पुरी से कंपेयर कर रहे हैं। जी हाँ, अनिल शर्मा को अमरीश पुरी की जगह किसी दूसरे एक्टर को देना मुश्किल लगा। इस किरदार के लिए उन्होंने कई एक्टर्स पर दाव खेला, लेकिन मनीष वाधवा की इस कमाल की एक्टिंग और फेस एक्सप्रेशन की वजह से उनको गदर 2 में जगह मिल गई है। गदर 2 के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर अनिल शर्मा ने इसके विलन मनीष वाधवा से लोगों को मिलवाया और बताया कि आखिर फिल्म में उनकी कास्टिंग किस तरीके से की गई थी। डायरेक्टर ने कहा कि अमरीश पुरी का रिप्लेसमेंट नामुमकिन नहीं, अगर वो जिंदा होते तो फिल्म का हिस्सा जरूर बनते। लोग उनसे अक्सर फिल्म के संगीत और विलन के बारे में पूछते थे। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका ट्रेलर कई बार देख लिया होगा। और आपको क्या लगता है, मनीष वाधवा को अमरीश पुरी से क्या वाकई कंपेयर करना ठीक होगा या फिर नहीं? आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट। टिल देन, दिस इज मी प्रेरणा कौशिक साइनिंग आउट।